हेलो गाइस, कैसे हो? आज को नए वीडियो लेके और इस वाली वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं DP28 का चैलेंज और एक डीपी नहीं भाई डबल DP28 का चैलेंज। और तुम्हें पता ही है गाइस, डीपी उठाए हुए मेरे को सालों हो गए हैं भाई, मतलब एक साल तो भाई हो गया हो कम से, मतलब प्रॉपर डीपी चलाए हुए पूरे मैच में। तो गाइस बस देखते जाओ, काफी मजा आएगा तुम्हें और बस देखते हैं कि भाई DP28 क्या ही तबाही मचाती है। तो यहाँ पे गाइस जब तक मेरे को डीपी नहीं मिलती भाई, जब तक किसी और गन से काम चलाना पड़ेगा। वैसे मेरे को 2-3 किल के बाद मतलब डीपी मिल जाती है और फिर मैं डबल डीपी ले लेता हूँ, मतलब और उसके बाद भाई दूसरी गन टच भी नहीं होती भाई, सारे किल डीपी से। तो यार देखते हैं कि DP28 में इतने दिन बाद चला रहा हूँ तो क्या मैं सही चला पाऊंगा या फिर भाई स्कैम होने वाला है मेरे साथ। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक एम मिल जाती है, सामने से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को बीच वाली बिल्डिंग में से, तो भाई रश मारते हैं इस वाले बंदे पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप्स आने लगे थे, तो यहाँ पे गाइस पहले तो मैं सोचा था कि भाई सीधा घुस जाऊं, लेकिन जब मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप्स आते हैं तो मैं सीधा घुसने की बजाय थोड़ा सा देख रहा था यहाँ पे कि भाई कोई जुगाड़ उगाड़ लग जाए। अब यहाँ पे मेरे को बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे लेकिन मैं हल्का सा कंफ्यूज था कि भाई बंदे ऊपर है या फिर नीचे है, और ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर हो एक नीचे, तो काफी गंदा स्कैम होगा, लेकिन शायद से बंदे नीचे तो नहीं है और ऊपर ही है। अब यहाँ पे ये बंदा अपने टीममेट को बेट बनाता है, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी हेल्थ काफी कम कर चुका था दूसरे वाले की भी, तो इजीली भाई रश मार के खत्म कर देते इस वाले बंदे को भी। अब गाइस किसी दूसरी गन से ये वाला बंदा लास्ट था, अब मेरे को मिल जाएगी डीपी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में से। मैं डीपी ले लेता हूँ जल्दी से, और भाई सामने से मेरे को फायरिंग की साउंड आई थी, वहां पे जाकर रश मारते हैं अब। और गाइस बस अब देखना क्या ही तबाही मचने वाली है। तो यहाँ से थोड़ी देर पहले फायरिंग की साउंड आई थी, राइट साइड से भी आई थी, लेकिन वहां पे बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला बंदा भी डीपी चला रहा था, और भाई जो सेकंड वाली डीपी मैं लूंगा वो इसकी पेटी में से आने वाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल मेरे को राइट साइड से भी फायरिंग की साउंड आई थी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर रश मार रहा था, लेकिन अचानक से भाई लेफ्ट में मुड़ जाता है वो, और इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। पहले मेरे को लगा जो पीछे वाला बंदा कवर फायर दे रहा भाई वो उसका टीममेट है, लेकिन इसका टीममेट नहीं था भाई, वो शायद से किल चुराने के मूड में था यहाँ पे। अब इस बंदे का मैं डब्बा चेक करता हूँ भाई, यहाँ तो मेरे को डीपी मिलती नहीं है, तो भाई वापस जाता हूँ मैं उस वाले डब्बे से, एक और डीपी उठाएंगे और डबल डीपी चैलेंज अपना स्टार्ट होने वाला है अब। वैसे 2 किल मैंने सिंगल डीपी से करे हैं, लेकिन अब डबल डीपी होने वाली है, तो भाई अगर एक की गोलियां खत्म हो गई तो दूसरी अपनी जिंदाबाद है ही। और फिलहाल तो यार डीपी सही लग रही है मेरे को, मतलब सही चल रही है यार, मतलब देखते हैं अब आगे धोखा वोखा देती है या फिर चिकन डिनर दिलवाएगी हमें। अब यार सामने से फायरिंग चल रही थी काफी देर से, अब मेरे पे हो चुकी थी भाई सब तगड़ी वगड़ी लूट, तो भाई चलते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं है किसका फुफा जी भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको मैं नोक कर देता हूँ, फिनिश भी कर देता हूँ, और भाई ये डायरेक्ट तो जाता नहीं है तो और बंदे भी हो सकते हैं वहां पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप्स आने लगे थे भाई, कंटेनर के पीछे भाग चुका बंदा। यहाँ पे जब ये बंदा टीपीपी ले रहा था तो मेरे को हल्का सा दिखा था, लेकिन यार एकदम से भाग जाता है जैसे मैं फायरिंग करता हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में इसे निपटा देता हूँ हेडशॉट के साथ। और फिर सामने से एक बोट आता है, इसको निपटाता हूँ मैं जल्दी से, और अब गाइस निकलते हैं मिलिट्री बेस से, क्योंकि भाई यहाँ पे और कोई तो मिलता नहीं हमें। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस इस ऐप या वेबसाइट का नाम है 1xBet, यहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और ई स्पोर्ट्स में भी बैट करके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे गाइस आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर आपको इन चीजों का शौक है तो 1xBet को ट्राई करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे भी यूज कर लेना, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और यहाँ पे गाइस जो होने वाला है ना वो तबाही होने वाली यार बहुत ज्यादा, तो बस देखते जाना। हम यहाँ पे पोचिंग के जा रहे थे इस उम्मीद में कि भाई बंदे बंदे ढूंढने गए और काश मिल जाए, दुआ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो होने वाला है ना वो गलत ही सीन होने वाला है। तो मेरा प्लान था पहले गाड़ी बदल लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक बंदे को मैं उतारता हूँ, पूरा फिनिश बिगड़ता हूँ, और अब बारी थी भाई दूसरे वाले की।
लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट ने थोड़ा सा नशा फूंक लिया था 1.5 रुपए वाला, तो माफ करना। और पीछे से भाई एक और गाड़ी आई, तो भैया जी उतर के मारने वाले थे। तो बस यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि एक और बैठ जा, बस एक बैठ जा, क्योंकि एक ही गोली का है भाई वो बंदा। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ जल्दी से, लेकिन भाई वो जो पीछे बंदे थे उनका ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब वो तो भाई ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे, मतलब गाड़ी वाड़ी से उतर के मार रहे थे, ये भी नहीं कि भाई पीछा पीछा कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उन बंदों का। तो यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ सबसे पहले तो, और मेरे टीममेट ने भाई यहाँ पे एमओ की खदान भर रखी थी, तो इससे थोड़े से एमओ लेता हूँ मैं। और अब मैं देख ही रहता हूँ उन वाले बंदों को। और प्लान था कि भाई गाड़ी लेके निकलते हैं और वापस चलते हैं उन बंदों को ढूंढने के, लेकिन भाई मेरा टीममेट यहाँ पे डर के मारे भागा आता है वापस। उसे बंदा दिख जाता है पीछे पहाड़ पे, जो कि उसे शायद मारने वाला था, मतलब एमएम ले रहा था उसके ऊपर। और मेरे को भी लग ही रहा था यार बंदे फ्लैंक व्लैंक जरूर करेंगे जिस हिसाब से मतलब वो उतर के मारने वाले थे। अब यहाँ पे ये वाला बंदा भाई क्या ही मूवमेंट करके स्प्रे दे रहा था, मतलब काफी सही स्प्रे था यार बंदे का। तो यहाँ पे गाइस मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत तकड़े वाला, तो भाई जल्दी से दवाई लेता हूँ अपने दोस्त से, मैं रिवाइव होता हूँ। और ये बंदे किसी के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, तो सही है भाई हमारे ऊपर ध्यान नहीं जा रहा होगा इनका। तो यहाँ पे मैं हीलिंग कर लेता हूँ, और अब हीलिंग हो चुकी है और क्लोज रेंज में तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई क्या करने वाला है। गाइज इस वाले क्लच में अगर मजा आया तो देखो भाई लाइक मारो और जल्दी से, मतलब कंजूसी कर रहे हो गाइज आजकल, लाइक नहीं दबा रहे भाई। अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक दबा दिया करो। अब यहाँ पे इन वाले बंदों को मैं फिनिश करता हूँ भाई, ये तो पूरे मूड में ही थे कि आज तो फिनिश करके जाना है, लेकिन यहाँ पे जज्बात जिंदगी से बदल जाते हैं थोड़े, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, मेरे साथ भी हो जाता है खैर। तो यहाँ पे गाइज जल्दी से हीलिंग कर लेता हूँ, डीपी रिलोड मार लेंगे और फिर निकलेंगे इधर से। लेकिन मैं एमओ भरने वाला हूँ भाई डीपी के बहुत सारे, क्योंकि भाई मेरे को कसम से मजा आ रहा है डीपी चलाने में। और गाइस आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपकी फेवरेट गन डीपी है या फिर M4 है, मतलब मिड रेंज के मामले में। और ये भी बताना कि भाई क्यों है। अब यहाँ पे गाइस सामने से फायरिंग चलती है, हम आते चेक करने के लिए। और भाई बाइजन कुछ ज्यादा ही चला रहे हैं आजकल लोग, मतलब खैर बाइजन यार तकड़ी गन भी है, ऐसी वैसी बात नहीं है भाई। मतलब हमने चैलेंज करा था थोड़ी देर पहले, अगर आपने नहीं देखे अभी तक वीडियो तो भाई देखना जाके, काफी तकड़ा चैलेंज था वो, पीपी बाइजन प्लस VSS। अब गाइस जिस बंदे की फायरिंग की साउंड आई थी भाई उसने तो किसी को निपटा दिया। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी घुमा के कि भाई एक ही बंदा है, दो बंदे या फिर जितने भी बंदे हैं, मतलब एक बार पूरा कन्फर्म हो जाएगा। कभी पता चला हम पैदल घुसे और भैया अलग ही सीन चल रहा हूँ अंदर। तो यहाँ पे यार एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं तो भाई घुस जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाला बंदा हल्का सा झाक के पीछे जा चुका था और दोबारा झाकता है, लेकिन मैं प्री फायर दे चुका था जब तक, और बंदा फंस जाता है प्री फायर में और भाई खत्म हो जाता है। अब यार पीछे से फायरिंग की साउंड आती है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जाके थोड़ी देर, लेकिन भाई बंदा हमें मिलता नहीं है कहीं भी। मतलब यहाँ पे डासा खड़ी थी तो हम देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन भाई कोई मिलता ही नहीं है। तो फिर हम गटका जाते चेक करने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे फायरिंग की साउंड आई थी, तो हो सकता है कि भैया गाड़ी वाड़ी लेके भैया जी मतलब बोट स्कैम करते फिर रहे हो, जैसे कि हम करते हैं कई बार बंदे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हम आते हैं गटका में, एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, तो यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं वो छोटी वाली जो झोपड़ी है उसके साइड में। अब यहाँ पे फिलहाल तो एक ही बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, लेकिन भाई ये दो में कदम ने बदल के बिल्कुल पता नहीं चला। तो यहाँ पे गाइस मैं एक मोली फेंकता हूँ, और अब मेरा प्लान था एक नेड फेंकने का, लेकिन एक बंदा नीचे कूद जाता है। और भैया जी फर्स्ट एड भी मार रहे थे, मतलब इस बंदे को मैंने घोस्ट राइडर बना दिया था, और ये बंदा भाई नीचे कूद के मेरे सामने ही फर्स्ट एड मार रहा था, मतलब भाई। अब जो ऊपर वाला बंदा था भाई वो तो नेड़ पे नेड़ फेंके जा रहा है सीढ़ियों पे, तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला भाई। और यहाँ पे गाइस मैं एक नेड़ फेंकने की सोचता हूँ बंदे को निपटाने के लिए, लेकिन भाई वो भी नीचे कूद जाता है यहाँ पे, और भाई टीपी भी लेट था सामने, लेकिन मैं साइड से आता और भाई खत्म कर देता इस वाले बंदे को। और क्या जो डीपी की रिलोड है ना भाई, उसकी आवाज़ सुनने मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन भाई टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें हल्के से कम भी हो जाती है। तो यहाँ पे गाइस जब सामने से फायरिंग की साउंड आती है हम आते चेक करने के लिए, एक बंदा मेरे को दिख जाता है।
तो यहाँ पर एक ही बंदा लग रहा था फिलहाल तो भाई जाके घुस जाते हैं। वैसे दो बंदे अलाइव है तो हो सकता है कि दूसरा बंदा इसने छुपा रखा हो अंदर, और भाई ये बंदा गलत सीन करने वाला है मेरे साथ। अब यहाँ पे मेरे को पिन खींचने की साउंड आई थी, नेड़ फट जाता है तो मैं यहाँ पे घुस जाता हूँ अंदर कि चलो नेड़ फट गया, पिन खींचने की साउंड आई थी, मतलब और क्या ही नेड़ होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो भैया जी दो दो नेड़ फेंक चुके थे इतनी जल्दी में, मतलब ये बंदा खुद को भी फोड़ना चाहता है यहाँ पे, लेकिन मेरे को भी साथ में, मतलब क्या ही ट्रिक लगाई थी भाई बंदे ने। अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट बंदा बच चुका है तो भाई ढूंढ देते उसे, और बंदा सामने दिख जाता पेड़ के पास तो भाई निपटाते इस वाले बंदे को भी। और यहाँ पे गाइस हमारा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, डबल डीपी 28 चैलेंज, और काफी सही चैलेंज था ये, मेरे को काफी मजा आया इसमें। मतलब डबल डीपी यार तबाही गन है यार, मतलब तुम्हें पता ही है, मतलब डीपी चलाए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं M4 पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन भाई डीपी ओपी गन है। तो अब से यार ट्राई करा करेंगे कि भाई सेकंड ड्रैगन में डीपी थोड़ी सी इंक्लूड करी जाए। वैसे भी आप सब लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि भाई डीपी चलाओ, तो क्यों नहीं मतलब। और हाँ गाइस आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो उस चैलेंज वाली सीरीज पे, तो थैंक यू यार उसके लिए। और गाइज मेरे को सजेशन देना कि भाई और कौन कौन से चैलेंज करे जाएं। तो गाइज ये आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा भाई जल्दी से कर दो। और हाँ गाइज 1xBet को चेकआउट कर लेना, लिंक इन पिन कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।